नमस्ते, अरुणमा के किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को हमारी रेसिपीज अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बनाएंगे साबूदाना का नाश्ता व्रत के लिए। साबूदाना का नाश्ता बनाने के लिए हमने ये छोटे वाले साबूदाना लिए हैं। इसको हम पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। साबूदाने को हमने हल्का सा भून लिया है, अब इसको हम ठंडा कर लेंगे, फिर इसका हम आटा बनाएंगे। साबूदाना हमारा ठंडा हो गया है, अब इसको हम पीस लेंगे। साबूदाने को हमने पीस लिया है, अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। कच्चे आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है, 3 बार धुल के पानी में भिगो के रखा है जिसमें ये काला ना हो। अब इस आलू को हम बड़े बाउल में डाल देंगे। अब इसमें हम एक हरी मिर्च और कद्दूकस की हुई थोड़ी सी अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। वन फोर टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून डाल देंगे जीरा। हाफ टी स्पून डाल देंगे रेड चिली पाउडर। स्वाद अनुसार डाल देंगे सेंधा नमक। थोड़ा सा हमने मूंगफली का दाना लिया है, इसको हमने मोटा मोटा पीस लिया है, अब इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो ये साबूदाना का आटा बना के हमने रखा था उसको हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे।
अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, इसमें ये सेट हो जाए, साबुदाना हमारा अच्छे से फूल जाए। हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसमें से थोड़ा थोड़ा साबुदाना लेके इस तरह से नाश्ता बना के रेडी कर लेंगे। घी हमने रख दिया है, गरम हो गया है। अब इसमें जो नाश्ता हमने बना के रखा था उसको तल लेंगे। नाश्ते को हम उलट पलट के गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। नाश्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। साबुदाने और कच्चे आलू का नाश्ता बन के रेडी है।